कैप्टन मोहम्मद उस्मान साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर ये स्मॉग का तो कुछ करने मतलब कि ये तो वो अदालती लेवल पे भी टेकअप हुआ है, अदालतों ने पहले कहा है जी दफातर में 50% अटेंडेंस होनी चाहिए, बाकियों को छुट्टियां दे दें, वो इम्प्लीमेंट हो नहीं सका, कैसे कंट्रोल होगी स्मॉग? दिस इज आर फंडामेंटल राइट, वी वॉन्ट टू ब्रीद एंड वी वॉन्ट टू ब्रीद इन गुड फ्रेश एयर ऑक्सीजन सर, कैन द गवर्नमेंट प्रोवाइड दैट टू अस? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से इस सब्जेक्ट को पिक किया है, आज के प्रोग्राम में हाईलाइट किया है और बिल्कुल सारी की सारी बातें आपने बिल्कुल दुरुस्त भी की हैं। मैं आपको चाहूंगा कि अगले चंद मिनटों के अंदर मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो स्मॉग का पर्सपेक्टिव इस वक्त बना हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, वो आपसे भी सुनेंगे, आपकी तरफ से भी कोशिश करते हैं, लेकिन देखिए स्मॉग का इशू जो है वो हम सबको पता है कि आज का नहीं है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बात तसल्ली के साथ बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जितने भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो किसी न किसी हवाले से हमारी एफिशिएंसी में कमी होगी, लेकिन किसी न किसी हवाले से हम उसको कवर जरूर किए हैं। यानी कि अगर हम स्टार्ट करें, अगर हम भट्टों से, तो आज से 4-5 साल पहले भट्टों में तो मतलब आप हाथ से लगा सकते थे, भट्टे बंद हो जाते थे, ईंटे अवेलेबल होना बंद हो जाती थी, महंगी हो जाती थी भट्टों में। अब एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी लग चुकी हुई है, तमाम पंजाब के भट्टों में ये टेक्नोलॉजी लग चुकी हुई है। अब सिर्फ बात यह है कि हम उसको कितनी फ्रीक्वेंसी से चेक करते हैं कि वो चल रही है कि नहीं चल रही। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें हमने एक मैकेनिज्म, लेकिन स्मॉग में तो कमी नहीं आई है, इसके बावजूद स्मॉग में तो कैप्टन साहब मैं सारी एक दफा पहले आपको पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद स्मॉग पर भी करते हैं बात। देखें सबसे पहले तो हमें ये फिनोमेना तो अब सबको पता है ना, अब तो बच्चे को पता है, इतने अच्छे से ये हमारे पास स्मॉग और स्मॉग चल रही है कि सबको पता है कि ये इस सीजन में खासतौर पर क्यों होती है। और अभी जो सबसे बुरा सीजन है वो तो आना है, जब टेम्परेचर इन्वर्जन होगी, जब ये ट्रैप हो जाएंगे हम हमारी जो हॉट एयर है कोल्ड एयर के अंदर, और फिर जब सारी बर्निंग इधर ही रह जानी है। अभी तो हवा चलती है तो थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर किसी दिन ज्यादा हो जाता है, लेकिन जो अभी असल टाइम है वो तो आना है, उससे पहले पहले ये तमाम मरीज जो है ये एक्यूरेटली लेने की जरूरत है। तो भट्टों की बात करें तो भट्टों में अब इस वक्त जिग-जैग लग चुका हुआ है, उसको हम चेक कर रहे हैं बड़ी फ्रीक्वेंसी के साथ, हमारे पास उसमें ठीक है जी। भट्टों की बात अगली बात प्लीज बताइए, क्योंकि मेरे पास वक्त की थोड़ी किल्लत है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जी, मुझे आवाज नहीं आती इसलिए वो बीच में डिस्ट्रक्शन हो जाती है, मैं क्विकली खत्म करता हूँ। ये 3-4 चीजें हैं सिर्फ जो बताने वाली। एक तो भट्टे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीनरी टेक्नोलॉजी इंस्टॉल होगी, दूसरा जितनी भी फैक्ट्रियां हैं इस वक्त तमाम फैक्ट्रियों में स्क्रबर्स लगे। यस, हमने बिल्कुल ऑब्जर्व किया कि जब हम गए तो वो स्क्रबर्स बंद थे, इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बिकॉज उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, लेकिन अब हमने लाहौर में एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है कि हम 7-8 दिन के अंदर जितनी भी ऐसी इंडस्ट्री है जो कंबस्टन करती है या किसी भी हवाले से एमिशन करती है या हमारी इन्वायरमेंट में एमिशन में कॉन्ट्रीब्यूट करती है, हम उसको फ्रीक्वेंटली चेक कर रहे हैं। 7 दिन के वक्फे के अंदर एक सरप्राइज विजिट होता है जिसमें एक कॉम्पोजिट टीम है 4-5 लोगों की जो जाती है, और उसकी प्रोग्रेस में आपको बता दूंगा कि पिछले तकरीबन। तो माय क्वेश्चन इज कमिश्नर साहब, मेरा सवाल ये है ना जी कि अगर आप सब कुछ कर रहे हैं जिस तरह से आपने बताया कि भट्टों के हवाले से भी ये हो गया, फैक्ट्रीज के हवाले से भी हो गया, तो फिर स्मॉग है क्यों, ये कहां से आ रही है स्मॉग, फिर क्यों नहीं कंट्रोल? उस पर भी बात करते हैं। देखिए इस वक्त मैं फिर पहले अगर आप मुझे इजाजत देंगे मैं सिर्फ 2-3 मिनट में ये मुकम्मल कर लूंगा, उसके बाद फिर हम इस पर बात करेंगे कि मजीद इसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है। देखिए फैक्ट्रियों की मैंने आपको बात बताई, उसके बाद जो इस सीजन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है वो स्टबल बर्निंग होती है। आज पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा एक्शन जो है वो स्टबल बर्निंग पे हुए हैं। हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हार्वेस्टर भी जो है वो भी लेके किसानों को 80% सब्सिडी पे प्रोवाइड किए हैं ताकि वो अपनी जमीनों को आग लगाने की बजाय उस हार्वेस्टर से तैयार कर लें। इस पे भी FIRs हो रही हैं, जब जमीनों को आग लगाते हैं इस पे FIRs हो रही हैं जी। FIRs 50,000 रुपए का जुर्माना, ये तमाम चीजें हो रही हैं, और हम ना सिर्फ इनको मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि जहां जहां भी हम गूगल इमेजरी लेके जहां भी ये हीट इंसिडेंट रिपोर्ट होता है वहां पर हम उस इंसिडेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्शन चेक करते हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर एक्शन लिया गया है या नहीं लिया गया। 50,000 तो भट्टे भी आपने कंट्रोल कर लिए, फैक्ट्रीज भी आपने कंट्रोल कर ली कमिश्नर साहब, और जमीनों पे जहाँ पे फसलों पे आग लगाते हैं आप कह रहे हैं कि उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, तो फिर स्मॉग है क्यों, ये कहाँ से आ रही है, क्यों नहीं कंट्रोल हो रही, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा क्यों है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर? अब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है।
जी, मैंने कहा जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर है AQI को खराब करने में वो हमारी व्हीकल एमिशन का, उसके हवाले से दो इश्यूज हैं, एक हमारा फ्यूल क्वालिटी का इशू है और दूसरा हमारी इंजन की जो कंडीशन है उसका इशू है। तो अगर हम देखें तो जो इंजन की कंडीशन है उसके हवाले से ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हम कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त लाहौर के अंदर जो फ्यूल सप्लाई हो रहा है वो ऑयल मैनेजमेंट कंपनीज के साथ मिलकर हमने इंश्योर किया है कि पिछले चार दिनों में सही है लाहौर में सिर्फ और सिर्फ कैप्टन साहब मेरे पास वक्त की किल्लत है, आई एम सॉरी, इससे आगे हम नहीं जा पाएंगे इस इंटरव्यू में, लेकिन आई रियली होप कुछ आप कह रहे हैं एक्चुअली में इस तरह इंप्लीमेंट हो जाए, स्मॉग का इशू कंट्रोल हो जाए। अगर ये सब कुछ गवर्नमेंट कर चुकी है या कर रही है तो उसके बावजूद स्मॉग हो क्यों रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।